हेलो गाइस, वेलकम बैक। सामल अल्टेक में स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोग होंडा एक्टिवा का क्लच शू साफ़ करने वाला है। कैसे खोल करके कैसे साफ़ करना है वो देखो। अगर हम आप लोग सही समय में आप लोग साफ़ नहीं करने से आप लोग का पिकअप कमज़ोर हो सकता है, पिकअप नहीं ले सकता है। अगर पिकअप कमज़ोर होने से मतलब गाड़ी चढ़ नहीं पाता है ऊपर में, नागालैंड का तो रास्ता तो हिल एरिया है, तो फटफट प्लेन नहीं है, उसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। आप लोग कोई भी स्कूटी खरीदने के बाद सही समय में आप लोग सर्विस में जाना चाहिए। कितना आदमी है सर्विस में नहीं जाता है, गाड़ी खरीदने के बाद खुद ही गैरेज में करता है और गैरेज में प्रॉब्लम होने के बाद जाता है आप लोग। तो इसलिए हम ये इस वीडियो में यही बोलना चाहता हूँ, आप लोग समय में अगर कोई कोई फर्स्ट सर्विस सेकेंड सर्विस करने के बाद भी कोई कोई नहीं जाता है ख़त्म होने के बाद, तो एक साल के बाद दो साल के बाद पिकअप प्रॉब्लम हो सकता है और जो है फैन बेल ये सब ख़राब हो सकता है। तो सही समय में आप लोग चेक करो। तो इस वीडियो में हम लोग क्लच शू साफ़ करके आप लोग को दिखाने वाला है, तो देखिए। चलिए, हम लोग पूरा नट खुल रहा है अभी, खोल।
Front tire pressure. Okay, bye bye.